सच्चे देव शास्त्र गुरु, इसमें मतलब बीत राग, जो उन्हें इस संसार में ना तो सुख से मतलब है ना उन्हें दुख से मतलब है, ऐसे हमारे सिद्ध सच्चे देव गुरु बीतराग कहलाते हैं। परिग्रह रहित, उन्हें ना कोई परिग्रह है, जैसे ना हमें, हमारे पास मान के चलो उदाहरण पर कि हमारे पास एक पेंसिल है, हम सोचें यार वो हमने इतनी आधी छील ली है तो हम उसे और थोड़ा सा एक और पेंसिल रख लें अपने पास, एक पेंसिल और रखी, एक पेंसिल और रखी, एक पेंसिल और रखी, हमारे पास चार पेंसिल हो गई, ऐसे वो हमारा क्या हो गया, परिग्रह, परिग्रह हो गया है। हमने थोड़ा सा पैसा जोड़ा, हमारे पास 10 रुपये हैं, हमने बोला यार 20 रुपये और करें, 30 रुपये और करें, ऐसे ऐसे परिग्रह करते 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 हमारे पास परिग्रह हो गया, लोभ हो गया हमारे पास। इसलिए हमें परिग्रह नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना भी हम परिग्रह करेंगे हमें अपनी ज़रूरतों के अनुसार हमें परिग्रह करना चाहिए। अगर हमें आज एक पेंसिल की ज़रूरत है तो हम एक ही पेंसिल का यूज करें, हम ये नहीं कि यार हमारे पास आज एक पेंसिल है हमें दूसरी भी चाहिए, हमें तीसरी भी चाहिए, हमने उसकी देखी हमें वो अच्छी लग रही है, उसकी देखी हमें ये अच्छी चीज़ लग रही है, हमें वो भी लेना है, ये भी लेना है, सब लेना है, लेकिन ये क्या हो गया, परिग्रह हो गया। जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिससे अपना उपाय चल रहा हो, उसको उसी में ढल जाना चाहिए। मान के चलो हमारा कच्ची पेंसिल है, उससे हमें लिख रहे हैं हम, लेकिन हमें वही चीज़ हम नटराज से लिख रहे हैं, वही चीज़ दूसरी कंपनी से लिख रहे हैं, लेकिन लिख तो रहे ही हैं, वो भी लिख रही है कॉपी पे और ये भी लिख रही है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमें नटराज की चाहिए, हमें वो वाली कंपनी की चाहिए, ये वाली चाहिए, वो चाहिए, ये सब क्या है, परिग्रह है, ये सब परिग्रह कहलाता है। अर्थात स्त्री रहित, क्यों, तीर्थंकरों की तो शादियाँ नहीं होती हैं, सच्चे देव वह कहलाते हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं। अर्थात तीर्थंकरों की शादियाँ हुई हैं वो हमारे 5 बाल्यति तीर्थंकर कहलाते हैं, बाल्यति 5 जिन्होंने शादी नहीं की है, बाकी तीर्थंकरों की शादी हुई है, ऐसे हमारे सच्चे देव हैं। अस्त्र शस्त्र, हमारे जो आपने देखे होंगे तीर्थंकर, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, आपने देखे होंगे, हम उनकी मिथ्या तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि शंकर जी के पास अस्त्र शस्त्र रहते हैं, उनके पास वो है क्या बोलते हैं, त्रिशूल है, और आपने राम जी के पास देखा होगा धनुष, आपने कृष्ण जी के पास बांसुरी देखी होगी, और बोलते हैं चक्र भी देखा होगा आपने, और हनुमान जी के पास गधा भी देखा होगा, ये सब मिथ्या है। हमारे आपने देखे होंगे तीर्थंकरों के पास अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत ही नहीं रहती है, वो इतने स्वाभिमानी होते हैं, वो इतने ही क्रूर नहीं होते कि अगर उनके ऊपर एक सांप भी अगर उनके ऊपर से निकल जाए, वो इतने तप में लीन हो जाते हैं, अगर वो जब वो तप करते हैं ना, अगर उनके ऊपर से एक सांप भी निकल जाए तो वो डरते नहीं हैं, उनके ऊपर कितना भी कोई बेताल साकनी डाकनी भयानी कोई भी उनके ऊपर उपसर्ग कर दे तो उन्हें कोई चिंता नहीं है अपने शरीर की, वो तो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। हमें कहाँ लीन होना है, आत्मा में लीन होना है, यह तो हमें शरीर अपना त्याग देना है, हमारे साथ क्या जाएंगे, पुण्य और अपनी आत्मा जाएगी हमारे साथ ऊपर भगवान के पास, हमारी आत्मा और अपने पुण्य जाएंगे ऊपर, शरीर तो यहीं छोड़ जाना है, यहीं हो जाएगा भस्म, तो राख बन जाएगा शरीर तो, इसलिए हमें शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। तप करो जब भी आप, ध्यान करो जब भी आप, शरीर को छोड़ दो, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ बस, आत्मा सोचो कि हम तो अपने जहाँ से आए हैं हम तो सिर्फ आत्मा लेके आए हैं, क्योंकि आपके जो पुण्य जाएंगे आत्मा के साथ जाएंगे, बाकी के आपके शरीर के साथ कुछ भी नहीं जाएगा, शरीर तो और पैसा गृहस्थी सब यहीं छूट के रह जाएगा, कुछ नहीं ले जाओगे आप, कुछ भी नहीं ले जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाओगे। अच्छा, अस्त्र शस्त्र रहित, हमारे जो सच्चे देव होते हैं उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहते हैं, क्योंकि अपने उन्हें शरीर की चिंता परवाह रहती ही नहीं है, कोई उनके ऊपर कितना भी उपसर्ग करे। अब आपने पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, अपने पार्श्वनाथ भगवान हैं, उनके ऊपर कमठ का नाम सुना है ना आपने, कमठ ने उनके ऊपर घोर उपसर्ग करा था, घोर उपसर्ग, उनके ऊपर पत्थर बारिश इतने 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 प्रकार के उपसर्ग किए उनके ऊपर, उन्हें अपनी, वो तो अपने ध्यान तप में इतने लीन हो चुके थे कि उन्हें अपनी आत्मा में लीन हो चुके थे, उन्हें अपने शरीर पर कोई भी उन्हें वो नहीं था कि हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है क्या कर रहा है, कुछ भी मतलब नहीं। इस तरीके से हमारा तप तप कहलाता है। अर्थात हम अगर वो उनके पास, वो भी इनके पार्श्वनाथ भगवान के पास इतनी शक्ति थी कि अगर वो इतना हाथ भी उठा देते ना तो वो जो कमठ था ना वो भस्म हो जाता वहीं, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान पर
ध्यान रखते हुए। हेलो हेलो हेलो। उन्होंने अपने ऊपर स्वाभिमान रखते हुए, अपनी शरीर को विषमता से ध्यान में रखते हुए, उन्होंने राग द्वेष को त्याग कर दिया, उनसे रहित हो गए, अर्थात ऐसे हमारे सच्चे देव कहलाते हैं। यहाँ पर बोला है मलमूत्र रहित, भगवान तीर्थंकर मलमूत्र नहीं करते हैं, संसारी जीव मलमूत्र करते हैं। मलमूत्र आप लोग समझते हैं, मलमूत्र अपन संसारी जीव जब तक संसार में रह रहे हैं आठों कर्मों का जब तक अपन नष्ट नहीं कर देते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार दिन, तीनों रत्नत्रयों को प्राप्त नहीं कर देते हैं, तीर्थंकर जैसी पदवी नहीं पा लेते हैं, मोक्ष को प्रशस्त नहीं कर देते हैं, ऐसे हम सच्चे देव नहीं बन सकते हैं। जब तक हम ये सब चीज़ें पार नहीं लेते तब तक हम सच्चे देव नहीं बन सकते हैं। अर्थात मृत्यु बुढ़ापा रहित इत्यादि गुण वाले ही सच्चे देव होते हैं। उनकी ना ही मृत्यु हुई है, भगवान की मृत्यु नहीं होती है, तीर्थंकरों की मृत्यु नहीं होती है, वो तो मोक्ष चले जाते हैं। हमारी तो मृत्यु होती है, हमारी तो मृत्यु होती है। हम आठों कर्मों को नष्ट कर दें और हम पांचों पापों को त्याग कर दें, अपन ऐसे ही क्रमता अनुसार जितने भी हमारे पाप हैं उनको नष्ट कर दें, अर्थात हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार दिन, तीनों रत्न को धारण कर लें, तो हम क्या हो जाएंगे, सच्चे देव हो जाएंगे। अर्थात बुढ़ापा रहित, ना कभी उनका बुढ़ापा आता है, तीर्थंकरों का बुढ़ापा नहीं आता है, अर्थात सच्चे देवों का बुढ़ापा नहीं होता है, इत्यादि गुण वाले ही सच्चे देव कहलाते हैं। यह सच्चे देव की सच्ची परिभाषा है। क्या सच्चे देव की परिभाषा क्या है? वीत राग परिग्रह रहित, स्त्री अस्त्र शस्त्र रहित, राग द्वेष से रहित, मलमूत्र रहित, मृत्यु बुढ़ापा रहित, इत्यादि गुण वाले ही सच्चे देव होते हैं। सच्चे शास्त्र, जिस शास्त्र में किसी जीव को मारने का विचार ना आया हो। सच्चे शास्त्र कैसे कहलाते हैं? किसी जीव को मारने का विचार ना आया हो, ऐसे सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। किसी किन्हीं शास्त्रों में लिखा रहता है कि अगर हम चींटी को मारेंगे तो हमें चार पुण्य मिल जाएंगे, तीन पुण्य मिल जाएंगे, इस प्रकार से ऐसे वह क्या कहलाते हैं, जिन शास्त्रों में ऐसा लिखा हो ना, वह सब मिथ्या शास्त्र कहलाते हैं, झूठे शास्त्र कहलाते हैं। मिथ्या माने झूठा, मिथ्या का अर्थ क्या है, झूठा, अर्थात ऐसे शास्त्र हमारे लिए मिथ्या हैं। सच्चे शास्त्र किस प्रकार के हैं? जिस शास्त्र में किसी जीव को मारने का विचार ना आया हो, ऐसे शास्त्र सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। अब हमारे यहाँ पर तीसरी परिभाषा दी गई है, सच्चे गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। यह वीतराग भगवान के तीन प्रमुख कार्य हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। सच्चे गुरु कैसे होते हैं? निरारंभो परिग्रह। हमने अभी आपको बताया कि हमें एक चीज की जरूरत है और हम दो दो चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। मान के चलो हमारे पास एक पेन है, हम उसको भी यूज कर रहे हैं और दूसरे पेन को भी यूज कर रहे हैं, साथ साथ दोनों का यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत एक ही पेन की है, काम वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन हमें काम किस से चल रहा है, एक ही पेन से चल रहा है, लेकिन हम उसे यूज कहाँ कर रहे हैं, दोनों पेनों को यूज कर रहे हैं, स्याही दोनों की ख़त्म हो रही है, परिग्रह हो गया है। तो आज हमने एक पेन लिया, कल दो पेन लिए, तीसरे का देखा तीसरा ले लिया, चौथे का देखा चौथा ले लिया, हमारा धीरे धीरे परिग्रह बढ़ते गया। आज हमारे पास मान के चलो 10,000 रुपये हैं, कल 20 हैं, कल 30 हैं, कल 40 हैं, हमारा परिग्रह बढ़ते जाता है, जो बढ़ते जाता है, यह सब परिग्रह है। हमारी ज़रूरतों के अनुसार हमें जितनी ही ज़रूरत है उतनी चीज़ों का अपना लेना वैसा परिग्रह नहीं कहलाता है। अर्थात हमें ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों की, हम उन्हें भी अपना इकट्ठा करके रखे हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास एक पुस्तक है, हम पढ़ रहे हैं यही पुस्तक, यही जिनवाड़ी पढ़ रहे हैं, हमने रख रखी चार चार जिनवाड़ी हैं, उनका उपयोग नहीं है तो हम दूसरे को दें वो चीज़ें, वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, आगे ज्ञान बढ़ता जाएगा हमारा धर्म आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे हमारे गुरु हैं जो निरारंभ हो परिग्रह हैं, उनको परिग्रह की कोई चिंता नहीं रहती है, ना वो अपने पास ना अपने पास वो कपड़े रखते हैं, ना अपने आप पास वो पैसे रखते हैं, ना ऐसी चीज़ें मोबाइल लैपटॉप या इत्यादि वस्तु नहीं रखते हैं। अर्थात उनके पास क्या रहता है, पिच्छी और कमंडल। उन्हें तो यही उनकी राय के लिए, पिच्छी किस लिए होती है उनके पास, जीव जंतु अर्थात जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, मान के चलो वो महाराज जी तप के लिए बैठ रहे हैं, कहीं चट्टान पर गए, कहीं वन में गए, कहीं किसी जगह पर गए मंदिर वगैरह में,
वो जहाँ पर विराजमान होते हैं, तो उसके लिए कोई जीव की हत्या ना हो जाए इसलिए पिच्छी रखते हैं वो अपने पास की, किसी जीव की हमारे हाथों से हिंसा ना हो जाए। मोर का पंख इसलिए रखते हैं, रखने को तो अपन लोग झाड़ू भी यूज करते हैं, करते ना घरों में झाड़ू यूज करते हैं, लेकिन मोर का पंख सबसे कोमल होता है कि जिस अगर हम मोर के पंख से जीव को इधर भी कर दें ना, तो उसको जरा सी भी जलन नहीं होगी, ना उसको कुछ लगेगा कि हमें किसी ने यहाँ से हटाया है। इसलिए महाराज जी जो हमारे होते हैं, आचार्य श्री लोग, मुनि श्री जी, उपाध्याय जी, जो हमारे सर्व साधु सिर्फ हमारे जो महामुनिराज हैं, वो अपने पास पिच्छी रखते हैं, कमंडल इसलिए रखते हैं, जहाँ पर भी गए हमारे पैर गंदे हो जाते हैं, मतलब मिट्टी लग जाती है पैरों में, तो हमारे जो मंदिर में प्रवेश करने वाले अर्थात हमारे जो चरण हैं, मंदिर गंदा ना हो इसलिए वो अपने पास कमंडल रखते हैं। अर्थात कहीं पर शौच क्रिया आदि करनी पड़ती है, शौच क्रिया क्या होती है, मलमूत्र, ये तो हमारे संसार में रह रहे हैं तो मलमूत्र की तो ज़रूरत है, तीर्थंकरों के तो मलमूत्र नहीं होते, उन्हें जरूरत ही नहीं रहती है क्योंकि वहाँ पर मलमूत्र की जरूरत ही नहीं रहती ऐसी चीज़ों की। अर्थात हमारे जो हम लोग हैं, हम तो संसारी प्राणी हैं, जो तीर्थंकर हैं वो मुक्त जीव हो चुके हैं क्योंकि उनने आठों अष्टकर्मों को नष्ट करके 18 दोषों को प्राप्त कर लिया है। ऐसे हमारे सच्चे देव हैं, उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया है। अब हम जो संसार में भटक रहे हैं तो हमें तो अपना भ्रमण करना पड़ेगा। अर्थात मुनिराज भी हमारे संसारी प्राणी हैं अभी तो। अगर वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लें, वो भी सच्चे देव कहना लेने लगेंगे। तो इस प्रकार वो अपने पास परिग्रह नहीं रखते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हों, सिर्फ पुस्तक ज्ञान के लिए अपने पास वो जिनवाणी रखते हैं। यहाँ पर दी गई है चर्चा है, हमने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि सिर्फ पुस्तक पिच्छी कमंडल हो, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान दे ध्यान दे लीन रहे तप करे, दिगंबर मान्यता के अनुसार ऐसे गुरु ही सच्चे गुरु हैं। कि मतलब अपने पास एक पुस्तक मतलब ऐसा कि यह पढ़ ली हमने, इसका हमें ज्ञान हो चुका है, हमने ये अपनी जिनवाड़ी पुस्तकालय में रख दी, दूसरी हमने उठाई अपनी, वो उसका ज्ञान अर्जन किया, तीसरी उठाई तीसरे का ज्ञान अर्जन किया, चौथी उठाई चौथी का ज्ञान अर्जन किया, इस प्रकार हमें ज्ञान अर्जन होता रहता है। तत्वार्थ प्लस तत्व प्लस अर्थ, तत्व भाव का स्वरूप, अर्थात अर्थ का मतलब होता है पदार्थ या द्रव्य, श्रद्धानम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धानम श्रद्धान श्री जी का श्रद्धान करना, सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्वों का, भावों का, स्वरूप का, पदार्थ का, द्रव्य का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थात पदार्थों के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, जो चौथे सूत्र में दिए गए हैं, ये तत्व सर्वज्ञ प्रकार के कहलाते हैं। तन्निसर्गा तदिगमाद्वा तत् यह अर्थार्थ सम्यक दर्शन, निस्सक निसर्ग स्वभाव से बिना किसी के बताए, अधिगमज पर के उपदेश से गुरु स्वाध्याय इत्यादि वा अथवा। अर्थार्थ जो सम्यक दर्शन कहलाते हैं वह दो हैं, दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, निसर्गज अर्थार्थ बिना किसी के बताए स्वभाव से ही जानना, अथवा अधिगमज अर्थार्थ पर के उपदेश से ही आचरण का ज्ञान प्राप्त करना। मतलब हमें बिना किसी के बताए स्वभाव से ही अपना ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा हमारा सम्यक दर्शन है। अर्थात जो अधिगमज का अर्थात पर के उपदेश से ही सही का उच्चारण ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमारे लिए किसी ने बता दिया णमोकार मंत्र ऐसे बोलना है, लेकिन हमने जिनवाणी में पढ़ा कि ऐसे पढ़ना है, हमें पढ़ा दिया नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उपझायाड़म, नमो लोहे सब साउड़म, लेकिन जिनवाणी में क्या है, णमो ड़ का उच्चारण है, तो अर्थात यहाँ पर बोल दिया है निसर्गज। निसर्गज मतलब हमें किसी के बिना बताए, अर्थात हमें सम्यक दर्शन का प्राप्त हो गया, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमें नमो अरिहंताड़म बताया गया, जब हमने स्वाध्याय किया हमें पता लगा कि ड़ का उच्चारण है यहाँ पर, तो सही ज्ञान जब प्राप्त हो तो उसके सही उच्चारण करना, ज्ञान प्राप्त करना, यह सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक दर्शन के दो भेद होते हैं, निसर्गज अधिगमज। निसर्गज में पूर्व भाव में उपदेश मिला हो ऐसा जरूरी उपदेश नहीं है, हमें उपदेश पहले
पहले भाव में किसी ने दे दिया नमो अरिहंताड़म और हमने अब इस भाव में पढ़ा नमो अरिहंताड़म। भाव का मतलब यानी हमारा जो पहला भूतकाल चला गया, अब जो वर्तमान में हमने पढ़ा है, ऐसे हम भाव को पहला भाव कहते हैं। अर्थात निसर्गज मैं पूर्व भाव में उपदेश मिला हो ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा अध्याय में यहाँ पर जीवा जीवा श्रव बंद संबर निर्जर मोक्षस्त्वम। जीव की परिभाषा, आत्मा जिसमें चेतना हो सुख दुख का अनुभव करे वह जीव है। जिस प्रकार हम जिस जीव को हम जीव अज, दो प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ, जीव और अजीव। जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है, जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है वह तो है जीव। अर्थात इसकी उल्टी ही परिभाषा कर दें, जिसमें जानने देखने की शक्ति ना हो अर्थात जो सुख दुख का अनुभव ना कर सके वह अजीव है। यहाँ पर जीव अजीव तत्व आश्रव बंदर संब नम बंद संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात प्रकार के तत्व होते हैं। यह सात प्रकार के तत्व होते हैं जीव। अर्थात जीव की परिभाषा हमने बताइए, आत्मा जिसमें चेतना हो जो सुख दुख का अनुभव कर सके वह जीव है। और अजीव पुद्गल शरीर चेतना नहीं सुख दुख का अनुभव नहीं कपड़ा मकान सामान आदि। जिस प्रकार कपड़ा है वह अजीब है, मकान है वह अजीब है, गाड़ी है वह अजीब है। गाड़ी चलती तो है लेकिन चलाने वाला कौन होता है, हम होते हैं। हम जानने देखने की शक्ति कर सकते हैं, हमारे अंदर जानने देखने की शक्ति है, हम चीज़ों को परख सकते हैं, हम यह छू के बता सकते हैं कि यह चीज़ क्या है, गर्म है ठंडी है क्या है। जिस प्रकार हम बर्फ़ हाथ में लेते हैं बता देते हैं हमारे हाथ में बर्फ़ है या ठंडी है, हम आग को लेंगे वो गर्म है। हमें सुख दुख का अनुभव होता है, अगर हम में कहीं चोट लग जाए, हमारे हाथ में चोट लग जाए तो हमें पता लगता है हमारे लिए दुख हो रहा है। अगर हमारे हाथ में कोई हमारे हाथ मले दर्द, हमारे हाथ दर्द कर रहे हैं, कोई हमारे हाथों को दबाए तो हमें सुख की अनुभूति होती है। अर्थात यह सुख दुख का अनुभव होना यह जीव की विशेषताएं हैं। सुख दुख का अनुभव होना अर्थात जानने देखने की शक्ति होना यह जीव की परिभाषा है। अर्थात इसी के अनुभव हम व्यक्त करके उनको, जिसमें देखने और जानने की शक्ति नहीं होती है वह अजीब है। कपड़ा देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। जिस प्रकार हम कपड़े को धोते हैं, इस प्रकार धोने के धोते हैं ना कपड़े को हम, तो उसे लगती तो नहीं है। अगर हमें कोई एक डंडा मारे तो हमें सुख का दुख का अनुभव होता है कि नहीं, हमें जैसे हमें डंडा मारेगा कोई तो हमें दुख लगेगा, हमें दुख का अनुभव होता है। कपड़े को हम एक डंडे से पीटें तो कपड़े को दुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वह क्या है, अजीब है। कपड़ा मकान, मकान भी अजीब है, गाड़ी, गाड़ी भी अजीब है, बंगला, बंगला भी अजीब है। अर्थात इस प्रकार कई चीज़ें हैं आदि, वह सब अजीब हैं। जिस प्रकार जिनमें देखने और जानने की शक्ति नहीं होती है वह अजीब हैं। यहाँ पर आश्रव आत्मा में कर्मों का आना राग द्वेष से निमित्त से, आत्मा में कर्मों का आना, आत्मा के अंदर जितने भी कर्म आ रहे हैं, जितने भी अपने हिसाब से होते जा रहे हैं कर्म, वह आत्मा के अंदर बिना रुके बिना छिद्र किए हुए आत्मा में प्रवेश होना वह आश्रव कहलाता है। बंद राग द्वेष से हुए आत्मा के क्रीड़ों में बंद हो जाना, रुक जाना। अर्थात जिस प्रकार एक नाव में छेद हो और हम उस पे वहाँ पर आश्रव का कर्म, आश्रव कैसे होता है, एक नाव में छेद है, एक नाव मान लो आप, एक नाव है इसमें छेद हो, पानी का आना जाना लगा रहे, उसके बाद हम उसको रोक दें, वहाँ कुछ टैप वगैरह लगा दें, कुछ उसको बंद कर दें, किसी भी प्रकार से हम बंद कर दें, तो आत्मा में कर्मों का आना रुक जाना यह बंद कहलाता है। संवर व्रत तप चारित आदि से नए कर्मों का आत्मा में प्रवेश को रोक देना। जितने भी हमारे आत्मा में कर्म आ रहे थे उनका हमने छिद्र तरीके से रूप से बंद कर दिया है, अर्थात बंद कर्मों का आना रुक गया है। ऐसे मतलब जब पानी नाव के अंदर आ रहा था हमने उसे टैपिंग करके कुछ भी करके हमने उसे रोक दिया है, जो नए कर्म आ रहे थे उनका रुक गए, रुक जाना यह संवर कहलाता है। निर्जरा तप समसामायिक अत्यधिक उपवास आदि से पुराने बंधे हुए कर्मों का नाश करना। अर्थात हमने धीरे धीरे उस चीज़ को, हमने जो हमारा पानी नाव में आ चुका था, हमने धीरे धीरे किसी भी चीज़ से उस पानी को हमने निकाला बाहर, यह हमारा धीरे धीरे निकालना क्या हो गया, निर्जरा। आत्मा में आए हुए कर्मों का धीरे 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 निकालना अर्थात निर्जरा कहलाया है। और मोक्ष, मोक्ष मतलब नया बंध करके हमारा पूरे शरीर से जो मतलब नाव के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नाव के अंदर जितना भी पानी था हमने हाथों से जिस प्रकार से भी हमने उस पानी को निकाल दिया, पूरा सूख गया नाव, वह क्या हो गया, मोक्ष। हमारे आत्मा में जितने भी कर्म आए, वर्गणा आए, कर्म वर्गणा आए, जितने भी कर्म वर्गणा आए, कर्म आए,
जितने भी बुरे कर्म आए हमने उनका सबका विनाश कर दिया, अर्थात वह क्या हो गया, मोक्ष हो गया। यहाँ पर तत्वों का, यहाँ पर सात तत्वों का हमने आज यहाँ पर चर्चा की है। सात तत्वों का है, सात तत्व हमारे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों के बारे में बताया है। अतः तत्व उपर्युक्त सात हैं। हमारे सात तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये सात प्रकार के तत्व पर आज चर्चा की है। आगे इसके बारे में विस्तार से हमारे अभिषेक भैया जी हैं, वो चर्चा करेंगे। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी जगे मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। तुमने ऐसा उपदेशों से हमको जागृत कर दिया, तुमने ऐसे उपदेशों से हमको जागृत कर दिया, प्राणियों के सांसर रूप में उनको निर्मित कर दिया, प्राणियों के सांसर रूप में उनको निर्मित कर दिया। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।